और क्या है इसके अंदर के तवक्कुल, अच्छा गुमान, तवक्कुल अच्छा गुमान, भरोसा अल्लाह पर रखना कि ज़िंदगी में सब कुछ है, सब खो गया, सब उसका डूब गया, तो वो तवक्कल अल्लाह पर रखे। ये नहीं कि उसके साथ डूब गया और उसके अंदर बैठ जाए कि मेरी पुलिस अफसर से पूरी सेटिंग थी, इसका तबादला हो गया, अब तो मेरे पास में कोई बचा ही नहीं, सब चीज़ चला गया, अब कोई सेटिंग नहीं। एतमाद चीज़ों पर उसने रखा, किसी पर रख रहा है कि भाई ये मेरा जो मेरे ताल्लुकात सीएम से थे, मेरे ताल्लुकात पीएम से थे, पार्टी बदल गई, चुनाव हुए, दूसरी सरकार आ गई, अब मेरे पास में तो कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया। तो ये नहीं, एतमाद किस पर करना है, एतमाद चीज़ों पर नहीं रखना है, एतमाद अल्लाह पर रखना है, तवक्कल उस पर रखना है, तो उसको सुकून मिलेगा। तो अल्लाह मत पर, अल्लाह पर जो है एतमाद रखे। एक आदमी पर एतमाद, उसने तमाम सेटिंग कर रखी, ना तो अब उसके अंदर ना तो पार्टी बदली, ना उसके अंदर किसी का तबादला हुआ, लेकिन उसके बाद वो आदमी मर गया, तब उसका एतमाद ही गलत था। बोले अब ना तो पार्टी बदली, ना कुछ हुआ, ना इसका तबादला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये खुद ही मर गया, अब मेरा काम कौन करेगा। तो एतमाद किस पर करे, अल्लाह को करे। क्यों? क्योंकि वो कौन है कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह है कौन है, अलहयुल कयूम है, वो जिंदा रहने वाला, सदा से जिंदा है, उसको मौत नहीं है, वो सबको थामे हुए, वो जिंदगी दिए हुए, तो फिर उसको सुकून मिलेगा, फिर उसको सुकून मिलेगा। क्योंकि उसको जब ये मालूम होगा कि वो अल्लाह है, वो वादा खिलाफी नहीं करता, वो जो कहता है वो करता है, वो धोखा नहीं देता, और उसके मुकाबले में कोई नहीं। तो दुनिया के अंदर कितना ही कोई ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना, अपने तमाम मसाइल उसके ऊपर सौंप रखे कि मेरी ये आदमी है तो अपने ज़िंदगी में सुकून है, लेकिन मौत तो है ना उसको, लेकिन तो सुकून हम किस पे भरोसा रखें, किस पर तवक्कुल रखें, जिसको मौत ही नहीं आना, उस पर रखेंगे तो फिर हमको दिल के अंदर सुकून आएगा। नहीं तो सब आदमी सब कुछ कर ले, लेकिन मौत को तो कोई हरा नहीं सकता, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उसको तो आना ही है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो मोहताज किसका बनना है, उस पर अल्लाह का मोहताज बने, वो किसी का मोहताज ना बने, क्योंकि वो खिलाता है, वो खाता नहीं है, वो देता है, वो लेता नहीं है, वो अता करता है, वो किसी से लेता नहीं है, तो इस सब उसके बाद में, तो खुद के लिए वो नहीं करता, सब इंसानों के लिए उसने तमाम चीज़ों को करा है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान। तवक्कल उस पर करना है कि जो भूलता नहीं है, जो बड़े इल्म वाला है, और अगर तुमको मालूम नहीं उसके बारे में, जानते नहीं, तो किससे पूछो, तुम इल्म वाले से पूछो कि अल्लाह के बारे में मुझे बताओ, अल्लाह कौन है, अल्लाह की सिफातों का इल्म हासिल करें। तो ये सब चीज़ें उसके दिल को सुकून देगी। और अल्लाह के रसूल सल्लम को बता दिया कि क्या क्या चीज़ें, अब हमको उसके जानने की हमको ज़रूरत है, तो उस पर भरोसा करना है। क्योंकि आदमी का सब बह गया, सैलाब आया, सब बह गया, पैसा सब उसका लूट गया, घर, पैसा, कपड़े, सब चीज़ें, अब क्या होगा, अब दुनिया में क्या सब लेकर आया था वो, तो ये तो सोचे, अब उसके अंदर वो आदमी आत्महत्या कर लेता है, कुछ नहीं बचा, मर गया, टेंशन सब चला गया, उसके पास अटैक आ गया, क्यों सब लेकर आया था दुनिया के अंदर, आया था के साथ में लाया था, जब बाद दुनिया में आया था तो नंगा आया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, कि एटीएम कार्ड लेकर आया हो, कि पासबुक थी बैंक के उसके पास में, कि एक रुपये लेकर आया, उन्हें जाकर क्या भाई भूख लगी कुछ खिला दो, दूध दे दो, पाँच रुपये का, कुछ नहीं था, खाली आया वो, ऐसे ही आया, कुछ लेकर नहीं आया। तो जो कुछ उसने लिया यहीं से लिया है, और लेकर जाना भी नहीं है, वापस यहीं पर रहना है उसको, सब ये भी छोड़ कर जाना है। तो उसको ये मालूम होना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में ऐसा ही आया था, और माँ के पेट में था, उस माँ के पेट के अंदर 9 महीने किसने खिलाया उसको, कि वहाँ पर उसकी माँ उसको खाना दे रही थी, कि डॉक्टर उसको चम्मच से खिला रहा था, कुछ नहीं, अल्लाह ने खिलाया पिलाया अंदर उसको। जब बाहर आया तो उसकी माँ के सीनों में दूध किसने भरा, अल्लाह ने भरा। तो ये उसको सोचना चाहिए, तो वो अल्लाह करने वाला है, तो उसको पालता कौन है, तो जब हमारे, तो उसको ये चाहिए कि हमारे पास में अल्लाह है तो हमारे पास में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जब उसका एतमाद और इतना यकीन इन उसका अल्लाह पर होगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। तो अल्लाह ना हो तो फिर सब उसका कोई काम नहीं बने, उसको ये सोचना उसको चाहिए। और जैसे हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब गार के अंदर छुप गए, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लम सोए हुए थे और अबू बकर सिद्दीक जगे हुए, उन्होंने देखा कि बिल्कुल दुश्मन आ गया, और उनको मालूम था अब ये नीचे देख लेगा तो हमको पकड़ लेगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम तो घिर गए, हम तो फंस गए, वो तो आ गए, अगर ये ज़रा सा नीचे देख ले पैरों की तरह तो हम तो आज ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका तीसरा साथी अल्लाह है? और जब ऐसा एतमाद किया तो क्या हुआ, ना उनको दिखा भी नहीं, बिल्कुल पास में थे लेकिन नज़र ही नहीं आया। तो ये अल्लाह पर यकीन उसका होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, कहाँ चले गए, जब सामने पूरा इतना बड़ा दरिया, पूरी कौम उनके साथ में, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब या तो पीछे से फौज आके मार देगी, सामने डूब कर मरना है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्हें कहा कि नहीं अल्लाह है,
اور اللہ نے اللہ سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اشارہ کیا کہ لاٹھی مارو، راستہ بنا دیا. تو اس پر یقین ہوگا کہ وہی ہے دینے والا، وہی ہے. اس پر اگر توکل بھروسہ اس پر ہوگا تو پھر اسباب وہ سارے پیدا کر دے گا. لیکن تمام اسباب ہو اور اس پر یقین نہ ہو تو پھر اسباب کام آنے والے نہیں. تو اس پر ایسا یقین ہونا چاہیے. تو انسان کیا ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور توکل چھوڑ دیتا ہے. تو توکل اس کو کرنا ہے اور صبر اس کے ساتھ رکھنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں یہ چیزیں اس کو دل کا سکون ملے گا.